बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग इनसाइड द किचन। और आज हम किचन में तैयार करेंगे आपके लिए, जैसे आप देख रहे हैं, शनवारी चिकन या चस्सी कढ़ाई कह लें इसे। तो पेशावरी स्टाइल में हम तैयार करेंगे चिकन को, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। बहुत ही कम मसाला जाते हैं, लेकिन बहुत ही मजे की रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी और जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हम लेंगे एक कढ़ाई, खुला ही बर्तन लेंगे, कढ़ाई में ही कढ़ाई को तैयार किया जाएगा। इसके लिए आयल काफी ज्यादा चाहिए होता है, तो हम लेंगे 1 kg, मेरे पास चिकन है तो 1 kg ही हम आयल लेंगे। तो ऑयल भी आपका जाया नहीं होगा, ये कुकिंग में दोबारा से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले हम चिकन को फ्राई करेंगे इसके अंदर, यानी ये डीप फ्राई रेसिपी है। इसे आपने फुल फ्लेम पे ही फ्राई करना है, ना तो आप इसे लो करेंगे और ना मीडियम पे। तो जैसे आप देख रहे हैं, हम चिकन को ऐड करने के बाद इसे हल्का सा स्टिर करेंगे स्पून को और साइड्स को चेंज करेंगे। अब साथ ही हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड कीजिएगा, लेकिन मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1.5 tablespoon। तो नमक शामिल करने के बाद हम इसे थोड़ा सा इसकी साइड्स को चेंज करेंगे और ये हाई फ्लेम पे ही फ्राई होगा चिकन। बहुत ही जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है, सिर्फ आपको फ्राई करने का थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आप 5 मिनट में इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर सकते हैं। जब इस पे गोल्डन सा कलर आए, ये तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद का व्यू है, जिसमें आप देख रहे हैं काफी हद तक चिकन ड्राई हो चुका है, इसका पानी और कलर भी चेंज हो गया था। तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टोमेटोस, इनको कटिंग भी नहीं करनी, आपने 6 से 7 टोमेटोस लेने हैं और इनको ऐड कर देंगे। तो मैंने 6 टोमेटोस को ऐड किया है, आप भी इसी तरीके से मीडियम साइज के 6 से 7 टोमेटोस को ऐड कर लें। और जैसे आप देख रहे हैं, टोमेटोस भी इसके अंदर फ्राई हो रहे हैं और चिकन भी बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। जब सुनहरा सा कलर आएगा तभी हम टोमेटोस को ऐड करेंगे, ताकि टोमेटोस और चिकन दोनों चीजें अच्छे तरीके से कुक हो जाए। ये अब तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद हमने इसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो सारा रिमूव कर दिया है और तकरीबन सिर्फ 1/2 कप इसमें ऑयल रहने देंगे। और जैसे आप देख रहे थे, ऑयल बिल्कुल साफ था, इसे आप दोबारा से यूज कर सकते हैं, वो भी जाया नहीं होगा। और अब हम इसके अंदर मैश करेंगे अपने स्पून की मदद से टोमेटोस। टोमेटोस को आप दबाएंगे यानी प्रेस करेंगे तो ये बड़े अच्छे तरीके से इसके अंदर मैश हो जाएंगे। साथ ही हम ऐड कर देंगे 7 से 8 अदद, मेरे पास स्लाइसेस में कटी हुई हरी मिर्च है, आप मिर्च को ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1 किलो चिकन में 7-8 ग्रीन चिलीज इनाफ होती हैं और हम गार्निशिंग के लिए भी यूज करेंगे, इसलिए 6 से 7 आप बस ऐड कीजिएगा। अब हम इसकी बुनाई करेंगे और जब बुनाई करेंगे तो तब हम स्टोव को थोड़ा सा लो फ्लेम पे कर लेंगे और इसी तरीके से आप इसको स्टिर करते रहें, क्योंकि कढ़ाई है इसलिए इसकी बुनाई भी होगी, तो हम अच्छे तरीके से इसे भूनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और टोमेटोस का अच्छा सा सॉस इसके अंदर नहीं बन जाता। ये आप देख रहे हैं, ये कढ़ाई सिर्फ लेगी 12 से 13 मिनट, इसके अंदर ही आप ये पूरी रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। बड़ी झटपट से और मजे की कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, जैसे आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है, टोमेटोस ने भी अपना सॉस बना लिया है, मजे मजे की कढ़ाई तैयार है। अब हमने इसे गार्निश किया है जिंजर के साथ, यानी अदरक और हरी मिर्च के साथ, ओरिजिनल ढाबा स्टाइल ये चर्सी कढ़ाई है, आप इसे जरूर इंजॉय कीजिएगा, ये फरमाइश थी तो हमने इसे पूरा किया है। तो चिकन के साथ हमने इसे शेयर किया है, इंशाल्लाह आप इसे जरूर पसंद करेंगे और मुझे फीडबैक में बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और लिंक को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक अच्छी सी रेसिपी लेके, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।